बतौर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात को गुड बाय कह देंगे। गुड बाय की बेला से पहले कल अपने विधानसभा क्षेत्र यानी कि मणिनगर में मोदी बेहद भावुक नजर आए, लेकिन साथ ही मोदी ने जनता को भरोसा दिया कि जा तो रहे हैं लेकिन गुजरात दिल में ले जा रहे हैं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ये नाम पिछले 12 साल से ज्यादा वक्त से गुजरात की पहचान सा बन गया है। अक्टूबर 2001 में बतौर मुख्यमंत्री सत्ता संभालने के बाद नरेंद्र मोदी ने गुजरात को नई ऊंचाई दी और गुजरात ने भी उन्हें शीर्ष पर पहुंचाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी। मोदी जहां गए 6 करोड़ गुजरातियों का प्यार और उनकी परवाह साथ ले गए। अच्छा है तो आपके आशीर्वाद के कारण, आपकी शिक्षा दीक्षा के कारण कमी रह गई तो मेरी जिम्मेवारी होगी, इस विश्वास के साथ जा रहा हूं। इस विश्वास के साथ जा रहा हूं और एक बार मैं कहीं पर हूं, किसी भी रूप में क्यों ना हूं, 6 करोड़ गुजरातियों का मेरे पर हक वैसे का वैसा बना रहा है। मोदी 26 मई को देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, लिहाजा उन्हें अब अपने मुख्यमंत्री पद और विधानसभा की सदस्यता का त्याग करना होगा। इसके लिए आज गुजरात विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। मोदी आज गुजरात विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित करेंगे। सदन में मोदी को विदाई दी जाएगी। इसके बाद मोदी करीब 3:30 बजे राज्यपाल कमला बेनीवाल को मुख्यमंत्री पद और विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा सौंप देंगे। कल राष्ट्रपति से मुलाकात और मनोनीत पीएम बनने के बाद मोदी गुजरात में अपने विधानसभा क्षेत्र मणिनगर में जनता के बीच पहुंचे। ऐसा लगा मानो मोदी को सुनने देखने समूचा गुजरात उतर आया है। लम्हा विदाई का है, लिहाजा मोदी ने गुजराती भाषा में ही जनता से संवाद किया। मनोनीत पीएम मोदी को इस बात का एहसास शिद्दत से था कि जनता ने उन्हें साल 2012 में जब चुना तो 2017 तक के लिए गुजरात की गद्दी सौंपी थी। मोदी बोले, जब 2012 में आया था तो आपने मेरे लिए पीएम पीएम के नारे लगाए थे, ये सच साबित हुआ। अब कोशिश रहेगी कि आपको मुझसे अच्छा विधायक मिले, इसके लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा। मोदी ने भरोसा दिया कि वो देश के विकास के दौरान मणिनगर को हमेशा ध्यान में रखेंगे। આપણું કામ ક્યારે અટકશે નહીં અને આપણે ભવિષ્યમાં મારા કરતા પણ વધુ સારો ધારાસભ્ય મળે એના માટે હું ખૂબ પ્રયત્ન કરીશ, ઉત્તમ પ્રયત્ન કરીશ। મોદી દેશ કે એસે શીર્ષ રાજનીતિક પદ પર બેઠને જા રહે હૈ જિસકે બાદ કિસી રાજનેતા કી રાજનીતિક મહત્વાકાંક્ષા શેષ નહીં રહેતી, લેકિન વો ભાવુક હૈ ઓર મણિનગર કો ઢાઢસ બંધા રહે હૈ, કહે રહે હૈ मैं जा रहा हूं, लेकिन आपके सपने जरूर पूरे होंगे। आज मणिनगर ना आप सब स्वजनों ने हूं विदाय लेवा माटे आयो छु, आपना आशीर्वाद लेवा माटे आयो छु, अने आपे मने जे साथ सहकार आप्यो एना कारणे અહીંયા આપણને જેટલી સફળતા મળી આપ સૌને શુભકામનાઓથી નવી જવાબદારીમાં પણ એટલી જ ઉત્તમ પ્રકારની સફળતા મળશે, કારણ મને તમારી શુભેચ્છાઓમાં ભરોસો છે। ગુજરાત બીજેપી કો ઇસ બાત કા ભરોસા હૈ કે આને વાલા મુખ્યમંત્રી નમો કી વિકાસ નીતિઓ કો ઓર આગે બઢાયેગા। ઉનકી પ્રેરણા, ઉનકે કિયે ગયે કામ કા વિઝન वो हम सब लोग साथ रहेगा, इसलिए निश्चित रूप से नरेंद्र भाई ने जिस प्रकार से गुजरात के विकास की गति को आगे बढ़ाया है, मेरा ऐसा मानना है कि हम उसी गति को मेंटेन रखते हुए बिल्कुल यहाँ की टीम भी गुजरात का जो भी नया मुख्यमंत्री होगा उसी प्रकार से आगे चलाएगा। मोदी बोले, मणिनगर के लोग देश से ताल ठोक कर कह सकते हैं कि नरेंद्र भाई शाखा के लिए यहाँ आते थे, जवाहर चौक पर चाय पीते थे। मोदी ने इस भरोसे के साथ मणिनगर की जनता से विदाई ली और उनके लिए वो पीएम नहीं नरेंद्र भाई ही रहेंगे। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ कमलेश सुतार,
आज तक। गुजरात का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर अभी सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं। फेहरिस्त में कई नाम हैं, लेकिन फिलहाल रेस में आनंदीबेन पटेल सबसे आगे है। सूत्रों के मुताबिक उनके नाम पर मुहर लगभग लग चुकी है। नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी कौन होगा, ये सवाल अभी तक बना हुआ है। मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण की तारीख 22 मई तय कर दी गई है। 12:39 पर गुजरात के महात्मा मंदिर में गुजरात के नए सीएम का शपथ ग्रहण होगा। अतिथियों की सूची तैयार है। माना जा रहा है एलके अडवाणी, राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, मुरली मनोहर जोशी, गोपीनाथ मुंडे, नितिन गडकरी, वसुंधरा राजे, रमन सिंह, शिवराज सिंह चौहान, मनोहर पर्रिकर, प्रकाश सिंह बादल और उद्धव ठाकरे इस समारोह में शिरकत करेंगे। लेकिन सीएम के नाम का खुलासा होना अभी बाकी है। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने थावरचंद गहलोत और गुजरात बीजेपी के प्रभारी ओम माथुर को मोदी का उत्तराधिकारी चुनने की जिम्मेदारी सौंपी है। आज 4:30 विधायक दल की बैठक में इसका फैसला होगा। नरेंद्र भाई गवर्नर साहब को अपना मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने जाएंगे और शाम को फिर हमने लगभग 4:30 विधायक दल की पार्टी की बैठक रखी है, जिसमें हमारे मेरे साथ और पर्यवेक्षक जो नियुक्त हुए थावरचंद जी गहलोत भी रहने वाले हैं और उसमें हम सबकी राय से नेता का चयन करेंगे। बीजेपी अभी अपने पत्ते भले ना खोले, लेकिन मोदी के उत्तराधिकारी के तौर पर जो नाम चर्चा में हैं, उनमें राजस्व मंत्री आनंदीबेन पटेल का नाम सबसे ऊपर है। माना जा रहा है कि आनंदीबेन पटेल मोदी की सबसे करीबी और विश्वास पात्र होने के साथ काफी अनुभवी हैं। आनंदीबेन गुजरात में 1998 से लेकर आज तक लगातार कैबिनेट मंत्री रही हैं, लिहाजा उन्हें आज विधायक दल अपना नेता चुन सकता है। सीएम की रेस में 56 वर्षीय वित्त मंत्री नितिन पटेल भी शामिल हैं। नितिन पटेल के गत का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि वो मोदी की अनुपस्थिति में 2 बार कैबिनेट की बैठक तक कर चुके हैं। एक और नाम सौरभ पटेल का है। 54 वर्षीय सौरभ पटेल गुजरात के ऊर्जा मंत्री हैं। वाइब्रेंट गुजरात समिट को शुरू करने और उसके सफलतापूर्वक संचालन का श्रेय सौरभ को ही दिया जाता है। वजूभाई वाला का नाम भी संभावितों की सूची में है। 75 वर्षीय वजूभाई वाला गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष हैं और बतौर वित्त मंत्री उन्हें सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने का मौका मिला है, यानी वो गुजरात के विकास के बयार को बखूबी समझते हैं। गुजरात बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पुरुषोत्तम रूपाला का नाम भी मुख्यमंत्री की रेस में है, लेकिन मोदी की गुडबुक में नहीं आने के चलते इसकी संभावना कम नजर आती है। चौंकाना मोदी की आदत में शुमार है, लिहाजा इन नामों के अलावा अगर कोई और नाम उनके उत्तराधिकारी के लिए आज सामने आ जाए तो ताज्जुब नहीं होगा। देश में अब शुरू हुआ, लेकिन गुजरात ने बहुत पहले से ही अपनी प्राथमिक इकाई बूथ बना रखी थी। पहली बार हमने पेज प्रमुख का जो चुनाव में उपयोग किया लगभग 80% सफल रहा और इसके साथ साथ नरेंद्र भाई का विजन और नरेंद्र भाई की शुभकामनाएं और उनकी दृष्टि वो हमारे साथ रहेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन सब चीजों के बराबर उनका मार्गदर्शन तो हमको मिलता ही रहेगा। संघ और बीजेपी से मोदी को पूरी छूट मिली हुई है, लिहाजा इतना तय है कि मोदी का उत्तराधिकारी मोदी की ही मर्जी का होगा। आनंदीबेन पटेल के अलावा मुख्यमंत्री पद की रेस में और लोगों के नाम होना, ये बात कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को चिंतित कर रही है और इसीलिए पार्टी इस बात पर जोर दे रही है कि गुजरात का नया मुख्यमंत्री चुनते वक्त इस बात का पार्टी संगठन पर आने वाले दिनों में असर ना पड़े। गोपी गांगर के साथ कमलेश सुतार, गांधीनगर आज तक। बीजेपी ने गुजरात के विकास को मोदी मॉडल कहकर प्रचारित किया। धीरे धीरे ये नमो ब्रांड बना और मोदी जब पीएम उम्मीदवार घोषित होकर बनारस पहुंचे तो इसकी छाप चप्पे चप्पे पर नजर आने लगी। आइए देखते हैं मोदी के नमो ब्रांड में तब्दील होने की कहानी। नमो यानी नरेंद्र मोदी अब खुद एक ब्रांड बन चुके हैं। गुजरात के विकास मॉडल को मोदी ने पूरे चुनाव देश भर में बेचा तो वहीं व्यापारियों ने नमो ब्रांड को बाजार में भुनाया। अहमदाबाद में रेडीमेड गारमेंट्स की दुकानों पर आजकल मोदी के कुर्ते का क्रेज है। पूरे चुनाव के दरमियान नरेंद्र मोदी के बयानों के अलावा किसी और चीज की चर्चा हुई होगी तो नरेंद्र मोदी के फैशन स्टेटमेंट की है। नरेंद्र मोदी आज की तारीख में
फैशनेबल नेता के तौर पर भी उभर रहा है नरेंद्र मोदी का जो ये मोदी कुर्ता है, हाफ स्लीव्स का स्टैंड कॉलर का ये कुर्ता है, अहमदाबाद के हर खादी के दुकान में, हर कुर्ते की दुकान में धड़ल्ले से बिक रहा है। और सबसे ज्यादा अगर किसी कपड़े की डिमांड दुकानों में होती है तो वो है मोदी कुर्ते की। मोदी जब यूपी के वाराणसी में लोकसभा चुनाव लड़ने पहुंचे तो वहां भी बनारसी साड़ियों तक पर मोदी तस्वीर तस्पा हो गई। नमो ब्रांड की बाजार में धूम मच गई। होटल की लजीज डिश और मिठाई तक का नाम मोदी से जोड़कर रखा जाने लगा। मोदी को करीब से जानने वाले बताते हैं कि वो अपनी ड्रेसिंग सेंस को लेकर बेहद संजीदा रहते हैं। किस मौके पर क्या पहनना है ये मोदी को बेहतर पता है। गुजरात में आए भूकंप के बाद अक्टूबर 2001 में मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने। 2002 में गुजरात के दंगे की आग में झुलसने के बाद मोदी ने विकास से प्रतिष्ठा बहाली की कोशिश की और उसे इस ऊंचाई तक ले आए कि अब लोगों को ये कहना पड़ रहा है कि अब गुजरात में मोदी के करिश्मे की कमी नजर आएगी। नरेंद्र भाई मोदी के टाइम में शुरू में तो जो कौमी दंगे हुए उनसे परेशानी बहुत बढ़ी थी, किंतु 2002 के चुनाव के बाद उन्होंने जो पंचशक्ति के ख्याल से ऊर्जा, ज्ञान, जल, जनशक्ति और रक्षा शक्ति का एक फॉर्मूला बना के जो काम शुरू किया तो धीरे धीरे वो काम तेजी से आगे बढ़ता गया। मोदी के मुताबिक उन्होंने कच्छ के रण से लेकर समूचे गुजरात को विकास की पटरी पर डाला। मोदी ने जमीन के कानून को सरल बनाने से लेकर उद्योग जगत को लुभाने के हर तौर तरीके को अपनाना शुरू किया। साल 2003 में वाइब्रेंट गुजरात के जरिए निवेशकों को गुजरात से जोड़ने की मुहिम चलाई। जल्द ही मुकेश अंबानी, रतन टाटा, अनिल अंबानी, गौतम अडानी और आनंद महिंद्रा जैसे उद्योगपति मोदी का गुणगान करने लगे और राज्य में औद्योगिक इकाइयां बढ़ने लगी। जामनगर रिफाइनरी परियोजना का विस्तार, 24 घंटे बिजली सप्लाई, पेयजल का बंदोबस्त, सिंचाई के लिए नदियों को जोड़ने का जिम्मा मोदी ने उठाया और शासन प्रशासन ने उसे पूरा किया। मोदी ने घाटे में चल रही सरकारी कंपनियों में भी राजनीतिक दखलअंदाजी दूर कर उन्हें मुनाफे की राह दिखाई। गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड, गुजरात अल्कलीज एंड केमिकल्स लिमिटेड, गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड और तत्कालीन गुजरात विद्युत बोर्ड पुनर्गठन के बाद लाभ की स्थिति में आ गए। मोदी धोलेरा में संघाई तर्ज पर स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट लेकर आए। शहर, सड़क, बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं का मोदी ने गुजरात की जनता को सपना तो दिखाया ही, उसे साकार भी किया। हालांकि विरोधी अभी भी विकास के नक्शे पर कुपोषण का पैबंद दिखाते हैं, लेकिन मणिनगर वासियों को दो मंजिला फ्लाईओवर और चमचमाता शहर देने वाले मोदी अब देश को चमकाने की बात कर रहे हैं। उनकी जिम्मेदारी अब 6 करोड़ गुजरातियों से बढ़कर 1.5 अरब भारतीयों की हो गई है। जिस नमो ब्रांड का दीदार अब तक देश ने किया, अब उसका दीदार दुनिया के करने की बारी है। कमलेश सुतार के साथ साहिल जोशी, अहमदाबाद आज तक।